अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। अंडे बॉयल हो रहे हैं और केटल में पानी गर्म हो चुका है। नाश्ते तो फारिग हो गए हैं जी, हुण आ गया सवाल कि भी पकड़ा की है। सब तो अहम सवाल है हुंदा वे औरतां दी जिंदगी विच कि उन्होंने इस मिलियन डॉलर सवाल का जवाब जरूर आप ही कढ़ना हुंदा। अगर बच्चे फरमाइश कर दें तो ठीक है, नहीं आप ही सोचना पैंदा वे। ते सोची पिया ते बंदा गया, ईमान नाल इह हिसाब हुंदा जे कि औरतां बेचारियां जिहड़ियां ने, मैं अक्सर देखनी हां कि कहंदे ने एक पता टिप दस देव, चलो गल करते करते याद आ गया कि अदरक नूं चम्मच दे नाल अगर तुसी छिलदे हो ना तो बड़ा चंगा छिलिया जांदा, बनिस्बत तुसी अगर छुरी दे छिलदे इस चम्मच दे नाल छिलके देखो बड़ा ईजी है ना, पील हो जांदा वे, बस छेती छेती उतर जांदा इहदा छिलका ते बस सौखा सौखा हो जांदा काम। अक्सर कहंदे ने लोग कि औरत जॉब करदी है, कहिंदे नहीं नहीं जी उह तां घर हुंदी है घर होती है, मतलब कि कोई मसला ही कोई नहीं कि वह घर जी कम करती है, वह किसी गिनती किसी खाते में नहीं आते कि वह सारा दिन लगी रही बेचारी अपने बच्चों वास्ते अपने घर वाले वास्ते पा रहे कि उन्होंने कह दिता जाता है कि नहीं नहीं जी बई वह तो घर ही होंगी है। तो चलो ठीक है, जो मर्जी जी मर्जी जो कह दे असं की कर सकते हैं, वह कहते हैं गरीबड़िया औरतं बेचारिया की कर सकदियां। तो चलो ठीक है, असी की कहते हैं अज मैं तेरे वास्ते एक बड़ी अच्छी नज़म उतारी है, तो मैं क्या मैं पहले तुम सुना देव तो फिर मैं जरा ना काम शुरू स्टार्ट करनी हाँ अपने हम अंधा है हम चश्मे के बगैर नहीं देख सकता, हम बिल्कुल अंधा है। ए मेडिकल जड़ी है ना गजल, तो चलो मेडिकल गजल सुन लेने कि मेडिकल वाले किस तरह गजल करेंगे। चलो आओ अब मौसम का मजा चखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तुमसे मिलने की अब क्या जस्तजू करें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें, हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करें, सीरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद रहेगा, जुम्मे के दिन क्लिनिक बंद रहेगा। ते ए मैनू बड़ी चंगी लगी है मेडिकल गजल दे नां ते सी, ते मैं तुहाडे वास्ते कर ली कि ए थोड़ा जिहा जिंदगी विच कहते ना चेंज आना चाहिए कुछ ना कुछ। असी ए भी मैनू बहुत अच्छा जुमला लग्या, कोई मुखलसी के साथ आपके सामने झुका हुआ हो तो उसे झुका हुआ ही समझे, गिरा हुआ नहीं। लो भी बड़ी पते पते दियां गल्लां अज मैं तुहानू दस दित्तियां ने। तो अज मैं हांडी पकाते पकाते थोड़ा जहा असी नायाब जमानिया याद कर लें अपने आनू, कि मैनू भी याद आ गया कि जो हांडी पकती सी जो फ्रिज नहीं होंगे सन उदो हांडी बस उ फ्रिज रखे खाने का कोई तसव्वुर नहीं होंगे सी कि तुसी कल दे बचे हुए खाने नहीं होने, असी एक दिन जरूर हफ्ते च ऐसा आता वे कि असी जरा वे खा लें कि चलो भी अज जो बचे कुछ बकौल समीना दे 9 लख खा लें, 9 लख 5 लख 3 लख जो बचे होंगे ने वह सारे रिजक नूं जाया नहीं करना। लेकिन उस जमाने जो कोई फ्रिज नहीं होंगे सन तो लोग घर फिर उन्ना ही पकाया जाता सी, ताज़ा आटा गुनिया जाता सी कनालिया में, इस तरह कनाली में आटा गुनिया जाता मिट्टी की कनाली, तो आटा गुनना गो गो के वह आटे की रोटी को पकती सी, आटा गुननिया गो गो के, आटा गुननिया गो गो के, जदो माही याद आवे अखा सुजदियां रो रो के, जदो माही याद आवे
ते भी आटा गोह गोह के गुनिया जाता सी। पीढ़ी एक पीढ़ी होंगी सी उत्ते औरतां बैठ लिया सन ते दे मुक्की आटे नूं पैंदी कहिंदे जिन्ना आटा गुन्नोगे जिन्नी उहनूं सोहणी मुक्की लगेगी। इस तरह सा करके मुक्कियां लाइया जांदियां सन ते जिन्नी सोहणी मुक्की लगेगी उन्नी रोटी चंगी पक्केगी ते उह बड़ा सोहणा आटा गुंदियां सन औरतां। अज हर चीज़ लई मशीन आ गई है, मशीन दस्तियाब है, आटा गुन्नण वालियां मशीनां वी आ गईआं ने ते होर चीज़ां ऐसियां आ गईआं ने, पर इह वी कि कनालियां साडियां गुआच गईआं ने। कोई भी चीज़ कभी भी कितने ख़त्म नहीं होंदी है। मेरे कहने का मकसद यह नहीं कि हुण कनाली च आटा नहीं गुनिया जाता, पर बहुत चीज़ा बदल गई ने। हुण ज़्यादातर लोग जड़े ने स्टील दियां परातां आ गई ने, उस तो ही अगे दियां शैवां आ गई ने, उन्हां च आटा भी गुंदे ने। मिट्टी की कनाली बहुत घट हो गई है। पहले तो हर घर में ही मिट्टी की कनाली होंदी सी ते नाल आटे गुन्ने जाते सन ते नाल हांडी मिट्टी की हांडी च खाने पकते सन ते उन्नी सोहनी खुशबू आती सी मिट्टी की हांडी च पक्या सालन। ओए होए होए बई तुसी मूँह तो नहीं लथदा, तुसी जड़ा ना खाओ ना ते तुहानू इन्ना मज़ा देता, इन्ना स्वाद देता वे तुहानू कि तुसी भुल नहीं सकते। मिट्टी की हांडी, मिट्टी की हांडी का साग पक्या होया, मिट्टी की हांडी च दाल बना लो, मिट्टी की हांडी च कुछ भी बना लो, यकीन मनो मिट्टी की हांडी जिहड़ी है वह जबरदस्त होंदा सी जायका। अज भी जिन इलाकों च मिट्टी लकड़ा की अग ते मिट्टी की हांडी च साग पकदा वे, वह साग बई इन्ना जबरदस्त होंदा, ऐसा पप्पू साग होंदा, ऐसा पप्पू कि दिल करदा बस पप्पू नूं जिहड़ा खा लईए पूरा। इन्ना जबरदस्त साग बनता वे कि उत्ते मक्खन होवे मिट्टी की हांडी। मैं हले भी मेरी कोशिश होंदी है क्योंकि असी इत्थे हुण उही बनाने आ कि बर्तना विच अपना शौक तो पूरा करने आ, पर मेरी भी कोशिश होंदी है कि मिट्टी की कदी मैं जावां तो मिट्टी की हांडी च पक्या होया जिहड़ा वे ना वह मैनू साग मिले उहदा ज़ाका कुछ होर होंदा वे। मिट्टी की हांडी च खाने पकदे सन ते खुशबूआं फैलदियां सन चारों पासे ते इन्ने सोहणे सोहणे खाने बनते सन उस जमाने के, सादे खाने होंगे सन। अज के जमाने की तरह इंसान नहीं सी कि मरुगन खाने के सा बहुत ज़्यादा पराठे भी खाधे जाते सन, बहुत ज़्यादा चीज़ा होंदिया सन, पर मसला ये कि लोग पैदल चलते सन। लोग जड़े ने अपना इस तरह गाड़िया वगैरह इन्ना नहीं सी, पैदल चलते सन, परौंठे तो बेशक खाते सन लोग, पर एवं कि खाधा पीता खाया पिया हजम ते ओह हो जाता सी, सब खाधा पीता हजम हो जाता सी। एक डोली होंदी सी, खाना उन्ना ही पकाया जाता सी क्योंकि फ्रिज नहीं होंदा सी, तो भी आटा ताज़ा आटा गुन्नो तो ताज़ी रोटी पकाओ। दो दो टाइम आटा गुन्या जाता सी ताज़िया रोटियां पक दियां सन ते जे सालन बच जाना जिहड़ा उन्हूं फिर एक शहरां विच ती होंदी सी डोली, उन्हूं डोली कहिंदे सन, जाली लगी होंदी सी ताकि कोई कीड़ा कोई ऐसी चीज़ जानवर मूँह ना मार दे उहदे च हल्का ढक्कन हटा के डोली विच खाण पीण दीआं चीज़ां रख दित्तियां जांदियां सन कि हवा पैंदी रहिंदी सी जाली तो ते खाणा वी महफूज रहिंदा सी। और पिंडां थावां विच जदों हुंदा उह उत्थे हुंदा सी एड्डा वड्डा सारा टोकरा, एक एड्डा वड्डा टोकरा हुंदा सी उह बांस टाइप लकड़ी दा बणिया हुंदा सी, उह टोकरा दे थल्ले रख के कोई दुध जिहड़ा बचिया होणा जिहड़ा सालन थोड़े थोड़े ढक्कन हटा दित्ते जांदे ते मुद्दा मार दित्ता जांदा सी टोकरा। चलो बई वह देसी फ्रिज होंगी सी बड़ी जबरदस्त किस्म की, कि ना बिजली इस्तेमाल होंगी सी ना कुछ, वो बस सेन में रख के वो बाकी उत्तर टोकरा मूदा मार देना। तो लो बई मजे सवेरे उठ के सब तो पहला काम जो औरत कर सन फिर यह कर सन कि वह खाना जोड़ा होंदा सी ना सालन दुध उन फटाफट चुल्हे रख के उन्होंने अग बाल के चुल्ह गर्म कर लिया जाता सी। बस फिर उन्होंने एक दफ़ा चंगी तरह सालन नू गर्म कर लो, चंगी तरह दुध नू एक दफ़ा उबाला दवा लो तो फिर इस्तेमाल होंदा सी। फिर दोपहर तक तुसी उन्हों इस्तेमाल कर लेंदे सो, शाम नू फिर नवा चीज़ पक जाती सी। ते तुसी देखो किन्ने मुश्किल दौर सन कि जदों फ्रिज भी नहीं सी, जदों के कहंदे ने मटकियां च पानी पीता जाता सी और मटके भरे जाते सन ते इस तरह डोलियां दे विच खाने रखे जाते सन ते टोकरियां दे थले खाने रखे जाते सन। वह दौर कैसा दौर सी, वह दौर बेहतरीन दौर सी शायद साड़ी साड़ियां जिंदगियां दा, असी और दौर देखिया। अजकल जो तुसी किसी बच्चे नूं कहंदे हो ना कि भी इस तरह दा तो वह बच्चे मन्नन में तैयार नहीं होंदे, बंदे बच्चे कहंदे ने भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ये ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा दौर गुजरिया जदों असी वो जमाने नहीं देखे कि जो तो लोग ऊठा ते सफ़र करते सन, असी नहीं देखे, असी अपने बड़िया को सुनिया कि लोग ऊठा ते सफ़र करते सन। तो ठीक है बई वो जमाना हैगा सी, बिल्कुल हैगा सी,
ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੋਚੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਓ ਦੱਸ ਕੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੋਚੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਓ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੈਂਠਾ ਵੀ ਕਢਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੈਂਠਾ ਵੀ ਕਢਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸ ਕੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੋਚੋ ਤਾਂ ਵੀ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੋਚੋ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੌਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁਤਮਈਨ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਸਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਨੈੱਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਏ ਹੋਏ ਬਈ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਨੈੱਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੈੱਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿਆ ਤੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਲੋ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਟਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗੋਟੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹਾਂ ਲੰਗੋਟੀ ਯਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਸਿਆਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹਾਫਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती ਵੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾ ਪਾਣੀ ਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਲੇ ਉਹ ਦੌਰ ਗਿਆ ਵੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।